मुझे शुरू से ही सीखने का शौक था डेटा स्क्रेप किया डेटा स्क्रेप करके कोल्ड ई मेल्स भेजी अच्छा कोल्ड ई मेल्स जब भेजी तो वो एक के बाद एक हमारे पास क्लाइंट्स के रिप्लाई आना शुरू अच्छा। हो गए पॉजिटिव रिप्लाइस देखते ही देखते इतने क्लाइंट आ गए कि जितने क्लाइंट हमारे पास रेफरल बिजनेस में है, समझ लो पूरे साल में नहीं आए थे उतने एक ही महीने में हमारे पास आ गए आपको रिवॉर्ड करना चाहिए अपने ऐसे टीम मेंबर्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है हमारा इस वक्त कोई भी बिजनेस अपवर्क फाइबर वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारा कोई बिजनेस नहीं है हमारी पास कोई सेल्स टीम है सच नहीं है। अमेरिका में ऑफिस है ही नहीं हमारा अमेरिका में कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन उस सवाले से है ही नहीं लेकिन फिर भी हमारे पास क्लाइंट्स इस तरीके से हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं ये भी मैं अल्लाह से बहुत दुआ करता था अल्लाह मुझे अच्छी टीम दे जिसकी वजह से हम और ज्यादा बड़ा काम कर सकें तो अल्लाह पाक भेजे हुए लोग हैं समझ लो हमारे पास हमारा ये विजन है हमारा टारगेट है और 1000 लोगों तक हम इनशाला ज़रूर पहुंचेंगे और 2024 में हम इन 600 छः सौ साढ़े छः तक मेरी उम्मीद है कि हम आसानी से पहुंच जाएंगे और इन बाय 2025 वो अल्लाह खैर करे इन हम पहुंचेंगे हज़ार पूरे कर लेंगे इन हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्लाची कास्ट टुडे वी हैव अ गेस्ट दैट हैज नॉट ओनली Uh, break through the stereotypes, but also manage to perform in the field जो के ज़्यादातर एक regular तरीके से perform कर रहे होते हैं और important चीज़ ये है कि वो जिस field में काम कर रहे हैं उस field की कोई भी entitlement कोई भी degree उनके पास मौजूद नहीं है solely working as a business owner और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इस फील्ड में सॉफ्टवेयर की बिजनेस में जो आना चाहते हैं कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम थैंक यू सो मच दानिश फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वेलकम टू द शो थैंक यू फॉर हैविंग मी जैन थैंक यू हमारी मुलाकात हुई मेरे ख्याल दो महीने पहले एंड दो महीने से लेके अभी तक आपकी बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए नॉट ओनली के हम बिजनेस प्रोसेसेस बेहतर कर सके बट आल्सो सेल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी बिज़नेस सेल्स के बग़ैर नहीं रन करता है तो आपके जितने भी इनपुट रहे हम बहुत उससे फ़ायदा उठा सकें सो आई वुड वॉन्ट कि आप जितने एक्सपीरियंसिस हमारे साथ शेयर किए इन पर्सन हम बैठे ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आपसे मुस्तफ हो सकें सो लेट्स स्टार्ट आपने बताया कि आपके पास कोई डिग्री मौजूद नहीं है और डिग्री छोड़ें आपने मेरे ख्याल इंटरमीडिएट भी कम्प्लीट नहीं किया सो वाई वॉज दैट एंड हाउ डड ऑल दिस हैपन् बस मैं जब स्कूल पढ़ता था तो उसके अंदर मैथ्स वगैरह होती थी एल्जबरा करना होता था इस तरह की चीज़ें होती थी मुझे तो समझ ही नहीं आती थी फिर हमारे यहाँ उर्दू होती थी उर्दू में वो शेर व शायरी होती थी उसमें वो गालिब के कुछ नजम होती थी फिर उसका तशरी करनी होती थी तो मुझे यही नहीं समझ आती <laughs> हवाला देने कि <laughs> ये गालिब इतनी मुश्किल बातें करता क्यों है जिसको बाद में हमें समझाना पड़ता है मतलब गालिब जो है वो आसान बात कर ले ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए तो वो बातें इतनी मुश्किल होती थी तो मुझे तो ये सारी बातें समझ नहीं आती तो अच्छा इसीलिए मैंने कहा यार ये काम मेरे बस का नहीं है तो ये मैं नहीं कर सकता so तो हाउ योर पेरेंट्स दिस बस वो पेरेंट्स जब एक आदमी पढ़ के नहीं दे रहा तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे फिर उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा बस फिर ये हुआ कि जब मेरे पास जो टाइम बचता था जो मैं नहीं पढ़ता था तो शुरू से ही मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक था मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था बहुत ही शुरू में इंटरनेट का एक्सेस था हमारे पास तो हम इंटरनेट यूज़ करते थे दिन में अठारह अठारह घंटे Uh, उस वक्त मैं इंटरनेट यूज़ करता था जब साढ़े तीन सौ रुपया पर घंटा इंटरनेट के चार्जेस होते थे तो उस वक्त हम डेली अठारह घंटे इंटरनेट यूज़ करते oh थे God. वेबसाइट डेवलपमेंट उस वक्त मैंने सीखी ऑनलाइन uh, मार्केटिंग के हवाले से क्या चीज़ किस तरीके से हो सकती है वो सीखी तो हम अर्ली डॉक्टर मैट्रिक का टाइम वैसे कौन सा था मुझे तो याद भी नहीं है पर तो एक मतलब कुछ होगा आई डोंट नो आई डोंट इवन रिमेंबर हाँ 90s में प्रॉब्लम ओके यस माइकल जैक्सन उस वक्त बड़ा <laughs> हिट होता था मुझे ये पता है ओके सो यू मेंशन कि आपको पढ़ने का बहुत शौक था मतलब बुक रीडिंग बुक का शौक, रीडिंग शौक रीडिंग था का, हाँ. तो इस क्या इसकी वजह क्या है मतलब आपको मैथ्स पढ़ने का शौक नहीं है बस रीडिंग करनी है फिक्शन पढ़ना है नॉन फिक्शन पढ़ना है मुझे शुरू से ही सीखने का शौक था तो मुझे फिक्शन uh, uh, या स्टोरी बुक्स में नहीं पढ़ता था मुझे शुरू से ही सेल्फ़ हेल्प बुक्स किसी भी बुक से अगर मैं कुछ सीख सकूं किसी भी इंसान से अगर मैं कुछ सीख सकूं तो मेरा बहुत दिल होता था कि मैं लोगों से बातें करूं सीखूं वो क्या काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उनसे सीखने का मुझे बहुत शौक़ होता था और मेरे लिए कोई भी अगर सवाल कोई भी चीज़ अगर मुझे नहीं आती तो मेरे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं उसको खोजूँ किसको पता है ये इस सवाल का जवाब और मैं उसके पास जाऊं और जाके सीख के आऊँ और उसके ऊपर मैं आज भी बहुत पैसे ख़र्च करता हूं बहुत बुक्स ख़रीदता हूं कोर्सेज़ लेता हूं मेंटोरशिप्स लेता हूं और चीज़ें जाके मैं लोगों से सीखता हूं तो शुरू से मुझे ये शौक़ रहा है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती और जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के पास जाऊँ और उनसे जाके कर सीखूँ फेयर फेयर अच्छा मैट्रिक जब आपने वो कंप्लीट किया या नहीं किया उसके बाद क्या क्या चीज़ें आप आपने करना शुरू कर दी हाउ डिड यू एनड अप इन सॉफ्टवेयर यू यूमेंशन यू डिड सम डेवलपमेंट हाँ तो उस वक्त डेवलपमेंट में भी बस सिंपल वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू में होती थी उस वक्त आ, आ, वो हम उस वक्त कर लिया करते थे उस वक्त एम का ज़माना था उस वक्त एम में लोग चैट होती थी कम्यूनिटीज़ होती थी वहाँ पर लोगों से सीख सीख लिया करते थे हम बहुत सारी चीज़ें तो जब स्कूल से मैं निकला तो स्कूल के बाद कॉलेज तो फिर मैं कोई ख़ास गया नहीं एडमिशन मैंने लिया लेकिन मैं कॉलेज पूरा मैंने किया नहीं फैमिली बिजनेस में आ गया फैमिली बिजनेस के बाद फिर तकरीबन पंद्रह एक साल फैमिली बिजनेस में रहा वट वॉज दैट ऑयल लुब्रिकेंट बिजनेस ओके उसमें रहा फिर उसके बाद फिर मैं ये आई बिजनेस में आ गया आई बिजनेस में छः सात साल हमने मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग भी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी की वो करते रहे और फिर उसके बाद वो बिजनेस भी बंद हो गया और उस वक्त हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर भी काम किया प्रोडक्ट के ऊपर भी बड़ा अच्छा हमने प्रोडक्ट डेवलप की उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी था प्रोडक्ट में अमेरिका में भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट बन गए थे लेकिन वो किसी वजह से वो बिज़नेस भी हमारा बंद हो गया कोविड आया कोविड में तो वो बिल्कुल ही फ्लैट लाइन हो गया जब वो फ्लैट लाइन हो गया बिल्कुल ही बिज़नेस बंद हो गया तो फिर उस उससे पहले कोविड से पहले कुछ दुबई में भी बिज़नेस करने की हमने कोशिश की उसके बाद जब कोविड के बाद फिर हमने फोकस अपना टोटली totally यू की तरफ कर लिया और लोकल क्लाइंट्स भी छोड़ दिए दुबई का काम भी छोड़ दिया और हमने अच्छा। सिर्फ यूएस क्लाइंट्स की तरफ हमने काम स्टार्ट किया और फिर वहाँ से फिर वन थिंग लेड टू अनदर और उस वक्त हमारी टीम का साइज़ जब हम यूएस काम हमने स्टार्ट किया दोबारा तो उस वक्त तकरीबन कोई पंद्रह सोलह लोगों की टीम थी और आज माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि साढ़े तीन सौ लोगों की टीम और ग्रो कर रही है ठीक है अच्छा यू मेंशन के आपने छः साल शुरू के जो काम किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और दैट वाज स्टॉप ड्यूरिंग कोविड टाइम वो सक्सेसफुल नहीं रहा पहले तो बताएं कि वो कैसे स्टार्ट हुआ उसकी जर्नी क्या रही वो स्केल क्यों नहीं हो पाया और बंद क्यों हुआ देन विल टॉक अबाउट के फर्दर उसके बाद तो, क्या चेंजेज वो बिजनेस जो स्केल नहीं हो पा रहा था उसकी मेन रीजन ये थी कि उसमें हम बिजनेस डेवलपमेंट जो हम करते थे या प्रोस्पेक्टिंग जो हम कर रहे थे वो रेफरल बेसिस पे थी अच्छा। हम रेफरल uh, क्लाइंट्स जानने वाले या अपने नेटवर्क के थ्रू उसमें क्लाइंट्स लेके आते थे तो हमारी पाइपलाइन में कभी भी कोई क्लाइंट्स होते ही नहीं थे तो वो एक क्लाइंट अगर किसी वजह से चला गया या उसका काम कंप्लीट हो गया तो फिर अब हम बैठे हुए हैं फिर हम हमें ये नहीं पता होता था कि हमने अपना स्टाफ जो है जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं टीम को हमने स्केल अप स्केल डाउन कैसे करना है क्योंकि अब अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर ओवर हमारे बढ़ गए तो उसको हमने क्या करना है तो वो उसका जो मेन रीज़न था फेल होने का वो अब जाके हमें जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं इसको तो हमें समझ ये आती है कि उसकी वजह ये थी कि हम रेफरल बेसिस के ऊपर काम कर रहे थे और कोई सही हमारा प्रॉपर प्रडिक्टेबल सेल्स की पाइपलाइन नहीं थी ठीक है तो जो आपने मतलब पहली दफ़ा जब सॉफ्टवेयर में आप आए हैं मतलब ये काम स्टार्ट किया है उस वक्त तो आपके पास रेफरल नहीं थे यहाँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पहला क्लाइंट ही आपके पास रेफरल के पास पहला क्लाइंट ही हमारे पास रेफरल वाला था और उसके बाद भी दो चार प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए जो रेफरल वाले प्रोजेक्ट्स थे और फिर उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट में आ गए हमने अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी तो uh, uh, शुरू से ही हमारे पास कुछ ना कुछ रेफरल बिज़नेस आ रहा था ठीक है और इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम आप उसमें कुछ हेल्प कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कि काम किस तरीके से होना चाहिए और यू वर सोलली वर्किंग एज लाइक बिजनेस ऑनर और आपने हर काम के लिए बंदे रखे हुए थे काम अलाइन किया हुआ है डेलीगेट किया हुआ है नहीं उस वक्त इतनी समझ नहीं थी या उस वक्त ये सारी चीज़ों का नहीं पता था और बिजनेस uh, डेवलपमेंट मैं कर रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किसी uh, न किसी तरीके से थोड़ी बहुत उसको मैं देख रहा uh, देखा करता था बाकी लोग हमारे पास टीम थी लेकिन उस वक्त फिर चूंकि जब रेफ़रल बिज़नेस uh, होता है तो क्लाइंट को भी तसल्ली तभी होती है जब वो आपसे खुद डायरेक्ट बात कर रहा होता है तो उस वक्त वो टीम्स उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं थी डेलीगेट नहीं थी और टीम थी भी मतलब पंद्रह लोगों की अगर टीम हो तो उसमें क्या ही आप टीम बना रहे हो पूरे पांच छह साल तक आपके पास पंद्रह लोग ही हाँ, रहे पंद्रह लोग बारह पंद्रह आठ बारह पंद्रह इसी तरीके से हमारी टीम का साइज होता रहा ठीक था। है एंड यू हैड ऑफिस बैक देन यस वेलकम टू दैट ओके सो रेफरल बिजनेस आना बंद हो गया कोविड हाँ. के टाइम पे एंड यू शर्ट योर ऑपरेशन देन यू डिड बस फिर आ, उस जमाने में क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था सीखने का और एक प्रॉब्लम तो नज़र आ ही रहा था कि रेफरल बिजनेस पे हम रिलाई नहीं कर सकते तो बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह भी मैं लेता रहता था तो उन कोर्सेज के ऊपर काम करने का टाइम नहीं मिलता था जो चीज़ें हम सीखते थे वो सीख के वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता था तो किसी एक कोर्स में मैंने सीखा कि आपके पास प्रोडिक्टेबल सेल्स फ्लो होना चाहिए आपकी पाइपलाइन प्रॉस्पेक्ट से फिल्ड होनी चाहिए हर वक्त तो लेकिन वो होनी उसके प्रोसेसेस क्या हैं किस तरीके से वो करनी है वो करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता था रोज़ अपना ही काम कर रहे हैं जो भी डे टू डे चीज़ें होती थी उन्हीं को हैंडल कर रहे होते थे तो जब कोविड आया तो सब बंद हो गया जब तो सब बंद हो गया तो फिर मैंने कहा यार चलो करके देखते हैं ये चीज़ें जो हमने सीखी हैं तो ये कोर्सेज़ में तो इसमें करें क्या तो रमज़ान के दिन थे तो रमज़ान के दिनों में बंदा इबादत भी कर रहा होता है कोई दुआ शायद कबूल हो गई या क्या हुआ तो डेटा स्क्रैप किया डेटा स्क्रैप करके कोल्ड ई मेल्स भेजीं अच्छा कोल्ड ई मेल्स जब भेजी तो वो एक के बाद एक हमारे पास क्लाइंट्स के रिप्लाई आना शुरू हो गए पॉजिटिव रिप्लाईज तो समझ आ गई कि यार ये काम किस तरीके से कोल्ड ई किस तरीके से भेजनी है डेटा किस तरीके से स्क्रैप करना है क्लाइंट्स जब आएंगे तो फिर उसके बाद प्रॉस्पेक्ट्स के साथ किस तरीके से आपने मीटिंग करनी है तो वो जो भी कोर्सेज़ में हमने चीज़ें सीखी वो फिर सारी एक एक करके इम्प्लीमेंट करते रहे तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान थे कोविड था और हमारे पास अमेरिका से ही क्लाइंट आना शुरू हो गए और वो देखते ही देखते इतने क्लाइंट आ गए कि जितने क्लाइंट हमारे पास आ, रेफरल बिज़नेस में है, समझ लो पूरे साल में नहीं आए थे उतने एक ही महीने में हमारे पास आ गए और अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे या जो भी हम सीखना चाहते थे या जो भी हमारे टीम के हवाले से जो भी मसले थे वो सारी चीज़ें अल्लाह पाक एक के बाद एक के बाद दरवाज़े खोलता गया और हम चीज़ें सीखते गए और चीज़ें आसान हो गई हमारे लिए ठीक है एक जो चीज़ मुझे बहुत एक्सेप्शनल नज़र आती है ना एंड आई वुड लाइक टू मैंशन दैट कि पाकिस्तान में आई हैवन केम अक्रॉस कंपनी जो कि फुली रिमोट काम कर रही हो और उनके पास 100 या 200 से ज़्यादा लोग हो मेरा ख्याल हो सकता है 100 वाली भी कोई टीम हो लेकिन 200 से ज़्यादा मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाशा की भी तो उसमें मुझे नहीं लगता ऐसी कोई कंपनी है जो कि सोलली रिमोट काम कर रही है और उनके पास दो सौ ज़्यादा एम्प्लॉज़ हैं एंड अलहमदिल्ला यू हैव माशा साढ़े तीन सौ लोग हैं आपके पास और वो सब के सब सब मतलब सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एच आर वो रिमोटली वर्क कर रहे हैं तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया बिकॉज यू हैड ऑफिस जब आपके पंद्रह लोग थे साल से आप ऑफिस के साथ ही काम कर रहे थे तो डिड यू डिसाइडेड गो रिमोट फर्स्ट जब कोविड में हमारे पास क्लाइंट्स का इन्फ्लक्स एकदम से इतना ज्यादा हो गया और हम घर से ही बैठ के सारी टीम काम कर रही थी क्योंकि ऑफिस खोलने की दोस्तों की इजाजत ही नहीं थी। ऐसा ही है तो जब हम रिमोटली सारा काम कर ही रहे थे और वो जब काम अच्छे तरीके से हैंडल भी हो रहा था कोविड के दौरान रिमोटली जब सारी टीम्स काम कर रही थी तो हमने कहा यार जब अब कोविड ख़त्म हो गया और ऑफिस खोलने की ज़रूरत भी है तो हमें ज़रूरत ही नहीं अब ऑफिस की तो हमारे प्रोसेस तो बन ही चुके थे उस दौरान सारे तो हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते गए और बहुत जो असल रीज़न है जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए वर्क कर जाती हैं वो इसलिए होती हैं कि आप प्लान ज़रूर करते रहते हो प्रोसेस ज़रूर बनाते हो लेकिन ये सारी बात डिपेंड करती है अल्लाह की तरफ से मेहरबानी अगर आपके ऊपर हो आपके लिए आसानी हो तो आप जो भी करने जा रहे होगे वो आपके काम हो जाएंगे लेकिन अगर वो नहीं है अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर आसानी उस चीज में आपके लिए बेहतर वो नहीं है तो वो काम नहीं होगा तो अब अगर मैं रिमोट कर रहा हूं या हमारी टीम रिमोट चल रही है तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए भी चले बिल्कुल ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा सिस्टम इस तरीके से बन गया शुरू से और हम इसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है रिमोट लेकिन बहुत सारे लोग हैं हो सकता है उनके लिए चीज इस तरीके से वर्क ना करे लेकिन अलहमदुल्ला हमारे लिए कर रही है ठीक है तो ऑफ कोर्स uh, हमारी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें यू आर मैंशनिंग नॉट ओनली कि आप रिमोट गए बट ऑल्सो मेकिंग श्योर कि काम प्रोडक्टिवली हो तो उसके लिए कुछ प्रोसेस आपने डिफ़ाइन किए हैं तो आपको लगता है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजेशन हो गई है लाइक टू मच कंट्रोलिंग नहीं मैं नहीं समझता चाहे आम, आप ऑन प्रमिस आप काम कर रहे हो या आप रिमोट काम कर रहे हो काम तो मोनीटर जो होगा एफिशेंसी जो मोनीटर होंगी वो मोनीटर होनी चाहिए और उन्हीं की बेसिस पे इंक्रीमेंट्स इंसेंटिव्स ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो आपको रिवॉर्ड करना चाहिए अपने ऐसे टीम मेंबर्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है सही ऐसे, ऐसे बहुत सारे लोग आपकी टीम में हो सकते हैं जो कैमोफ्लाज हुए हुए हों जो नहीं आपको नज़र आ रहे आपके स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स या एफिशिएंसी मॉनिटरिंग सिस्टम्स अगर आपके पास नहीं है ऐसे प्रोसेस नहीं है तो उसकी वजह से आप लोगों को नहीं देख पाते कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा तो जो काम अच्छा कर रहे हैं वो लोग डिमोरलाइज होते हैं ठीक है तो आपके प्रोसेस अच्छे होने चाहिए अब आप चाहे आपकी टीम आपके ऑफिस में बैठ के काम कर रही है रिमोट काम कर रही है आप सबकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें और उसके हिसाब से लोगों को रिवॉर्ड करें तो सिंपली उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कहाँ बैठे हुए हैं सही है तो माशाल्लाह यू हैव रिच 350 हंड्रेड तो आपको लगता है कि आप 500 या हज़ार लोगों तक इसको स्केल कर सकते हैं बाई स्टेइंग रिमोट जी इनशालाशा ज़रूर और हमारा ये विजन है हमारा टारगेट है और एक हज़ार लोगों तक हम इन जरूर पहुँचेंगे और 2024 में हम इन शे छः सौ तक मेरी उम्मीद है कि हम आसानी से पहुंच जाएंगे और इन बाय दो वो अल्लाह खैर करे इन हम पहुँचेंगे हज़ार पूरे कर लेंगे इनशाला ठीक है अच्छा बहुत सारी कंपनीज हैं अभी आईटी में हाइब्रिड मॉडल लेके चल रही हैं ठीक है रिमोट फर्स्ट हो सकती है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं बट टोटली रिमोट तो आपको लगता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि अभी आ, फुली ऑन साइट वो अपनी टीम्स को लेके चल रही हैं तो अगर वो रिमोट होना चाहें बिकॉज इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू दैट दे इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी और के लिए भी काम कर सकता है ठीक है तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके अंदर कि अगर टीम ऑफिस फर्स्ट या ऑन साइट फर्स्ट से रिमोट फर्स्ट की तरफ अगर वो जाना चाहें देर आर सम्टेयर मैनेजमेंट के हिसाब से यू वुड लाइक टू मैंशन हाँ तो एक तो आपके पास uh... उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है कीबोर्ड मॉनिटरिंग स्क्रीन स्क्रीन मोनिटरिंग घर से काम कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि उनका प्रोडक्टिव टाइम हो ठीक है तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आ, उनकी स्क्रीन मॉनिटर कर रहे होते हैं टीम्स की और उनके की और उनकी एक्टिविटी को बेसिकली एक्टिविटी मोनिटरिंग सॉफ्टवेयर हैं वो आप यूज़ करें उसमें जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसके लिए भी आसानी है कि उसको किसी को साबित नहीं करना पड़ा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वो ऑलरेडी ट्रैक हो रहा है और वो ट्रैक होकर सिस्टम में ऑलरेडी आ रहा है तो वो अगर आ रहा होगा तो आपको उनकी एफिशिएंसीज भी वो खुद ब खुद ही कम्युनिकेट हो रही होंगी तो आपको किसी से पूछना ही नहीं है चेक ही नहीं करना ना किसी को साबित करने की ज़रूरत है तो एक्टिविटी मोनिटरिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें और फिर उस डेटा को किस तरीके से आपने एफिशेंसी में ट्रांसलेट करना है कि ये जो लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है उसमें Uh, उनके इंक्रीमेंट्स और इंसेंटिवस और उनकी ग्रोथ कैसे होनी है वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर आपके इंसेंटिव सिस्टम क्या है इंक्रीमेंट सिस्टम क्या है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है प्लस उनकी ग्रोथ देखनी है कि आप उसको टाइमली प्रॉपरली उनकी ग्रोथ uh, हो रही है आपके सिस्टम में अगर हो रही है तो आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे और अच्छे तरीके से काम भी करते रहेंगे और आपको ये कंपनी भी ग्रो करती रहेगी तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आ, तो प्रोसेस और एक्टिविटी मोनिटर्स ये दो चीज़ें चाहिए आपको ठीक है अच्छा अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज कोविड के बाद से स्पेशली क्योंकि कोविड के बाद बाहर से भी काम थोड़ा बेहतर आना शुरू हो गया लोग रिमोट जो नहीं भी कर रहे थे वो ज़बरदस्ती रिमोट हो गए तो सिंस इट इज़ रिमोट तो वाई नॉट गोइंग आउट ऑफ यू सो आई हैव सीन के बहुत सारी कंपनीज अब प्रेफर करने लगी हैं कंफर्टेबल हो गई हैं जो पहले भी नहीं भी थी तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज हैं वो इंक्लूडिंग uh, हमारा भी मेजर शेयर जो है वो प्लेटफॉर्म्स से ही आता है तो सेल्स जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं दैट इज़ टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोई अपवर्क पे प्रोफाइल नहीं है कोई फाइबर पे प्रोफाइल नहीं है और सिंस यू मैंशन कि आपका पहला काम सारा रेफरल बेस आ रहा था तो जब आपने स्टार्ट किया सेल्स फनल्स बनाना शुरू किए तो क्या उसकी अप्रोच रही और वो वैलिडेशन कहाँ से मिली आपको डिड यू लर्न फ्रॉम लाइक कोर्सेस या फिर आपके मैंटोर्स से हु गाइडेड यू टू बिल्ड दोज फनल हाँ तो कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज मैं तो आज भी बहुत सारे कोर्सेज लेता रहता हूँ और उनसे चीज़ें सीखता रहता हूँ तो डेटा uh, इसक्रीपिंग किस तरीके से करनी है लिंक्डइन को स्क्रेप कैसे करना है उसको कोल्ड ई किस तरीके से भेजनी है एक तो उसका टैक्स सेटअप है प्लस उसके अलावा आपको अपनी ऑफर्स किस तरीके से क्रिएट करनी है वो सारी चीज़ें जब सीखी वो फिर कोल्ड ई भी भेजीं तो हमारा हमारा इस वक्त कोई भी बिज़नेस अपवर्क फाइवर वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारा कोई बिज़नेस नहीं है ठीक है आ, ना हमारा कोई बिज़नेस बहुत थोड़ा बिज़नेस होगा जो रेफरल जिस तरह पहले रेफरल्स थे उस तरह से आ रहा हूँ हाँ हमारा रेफरल प्रोग्राम है जो उसमें हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उसमें साइन अप कर सकते हैं और साइन अप करके वो अगर किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो वो रेफ़र कर सकते हैं लेकिन जिस तरीके से पहले दोस्तों रिश्तेदारों या नेटवर्क के थ्रू अगर कोई बिजनेस हम ला रहे होते थे अब हमारा वैसा रेफरल नेटवर्क के हम पीछे नहीं जाते अच्छा तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हो वो एक प्रोसेस ड्रिवन काम हो और उसके थ्रू एक प्रिडिक्टेबल फ्लो ऑफ प्रोस्पेक्ट्स हमारी पाइपलाइन के अंदर आ रहा हो uh -huh. और उस पाइपलाइन को फिर हम नर्चर करते हैं ताकि वो फिर लेटर ऑन हमारे से मीटिंग्स करें और मीटिंग्स करके फिर हम उनको जो भी उनके डिजायर्ड सोल्यूशंस हैं वो हम प्रोवाइड करें और उस तरीके से फिर हम इसको आगे अभी आपकी सेल्स टीम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है हमारी हमारी पास कोई सेल्स टीम ऐसा सच अच्छा. नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स में जिस तरीके के क्लोजिंग क्लोजर्स टेक्टेक्स ये सब मैं इन चीजों से बड़ा दूर भागता हूं क्योंकि जब आप किसी को क्लोज करते हैं ना तो फिर आपको रिफंड्स देने पड़ते हैं क्योंकि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है नो क्वेश्चन आस्ट रिफंड अच्छा हाँ इफ यू आर नॉट हैप्पी विद सर्विस इफ यू आर नॉट हैप्पी विद वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग यूड वील गिव यू हंड्रेड परसेंट मनी बैक गारंटी वील गिव यू हंड्रेड परसेंट ऑफ योर मनी बैक इफ यू नॉट हैप्पी विद वॉट एवर वी प्रोवाइड हाउ मच दैट है इट इज़ हैपन विद अस लाइक हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आ, जिनका काम हमसे ही गलत हो गया होगा आ, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो ज़बरदस्ती रिफ़ंड लेते हैं तो, तो टोटल पिछले चार साल की अगर मैं देखूं तो चार साल में हमें कोई छः सात रिफंड्स देने पड़े होंगे ओनली हाँ छः सात रिफंड्स और हम हम दे देते हैं हम ठीक है अगर हम उसको सारी चीज़ें सेटिस्फाई करके भी दें और फिर भी अगर वो मजिद हो कि नहीं मुझे रिफ़ंड चाहिए ही चाहिए तो हम दे देते हैं ओके हाँ ठीक है तो तो इस पॉलिसी की वजह से आ, हम कोशिश ये करते हैं कि किसी को हम सेल्स में क्लोज ना करें हम उसको जो उसका प्रॉब्लम है उसका सलूशन दें और सलूशन उसको नज़र आ रहा होता है तो वो खुद हैप्पीली साइन अप कर रहा होता है हमारे यहाँ कभी भी हम किसी को घेर के कोई स्ट्रैटी लगा के कोई टैक्टिक या ट्रिक लगा के किसी को कभी भी क्लोज नहीं करते तो इसलिए अच्छा। हमारे यहाँ कोई सेल्स का एस डिपार्टमेंट नहीं है हाँ हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स हैं जो क्लाइंट जब मीटिंग बुक कराएगा उसके साथ वो मिलेंगे उसकी समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से उसको सोलूशन बताएंगे, और वो सोलूशन अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो हमारे से ख़रीद ले, नहीं अच्छा लगता ना ले सही है तो मतलब सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन दे आर पीपल जो कि लीड जनरेशन कर रहे हैं यस yes, तो हाँ। वो लीड जनरेशन वाला जो काम है वो काम वो किस तरीके से स्टार्ट किया आपने जब दोबारा से कंपनी ग्रो अप की सो यू आर द ओनली पर्सन लाइक लीड्स भी देख रहे हैं और कॉल्स पे भी जा रहे हैं और आपने यू सिट डाउन और आपने प्लान किया कि यार मेरे पास इतने लोग होंगे जो ये वाला काम कर रहे होंगे सो यू आर डूइंग इट योर सेल्फ और यू हैड पीपल डूइंग इट फॉर यू आफ्टर द कोविड टाइम जब से ये स्केल हुई है कंपनी शुरू में तो जो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स तो मैं कर रहा था फिर उसके बाद मेरी टीम में और लोग हैं जो साथ में मेरे साथ शामिल हो गए और हमने फिर ये काम डेलीगेट कर दिया और अब हमने एक डिपार्टमेंट बना लिया है जिसमें मीडिया बाइंग हो रही होती है लीड जनरेशन हो रही होती है फिर वो लीड जनरेशन जब हो रही है तो उसके बाद उसको नर्चर करना है फिर फिर एक कंसल्टेंट्स का डिपार्टमेंट है जिसमें कंसल्टेंट्स जो हैं लोगों के साथ मीटिंग क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उनको उनको सल्यूशन दे रहे होते हैं तो लीड जनरेशन का हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है आ, उसके अलावा स्क्रेपिंग uh, जो कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से जैसे इंडीड्स पे बहुत सारी कंपनीज जॉब्स पोस्ट कर रही होती हैं तो uh, उन जॉब्स को uh, लेना वहाँ से क्या हायर कर रहे हैं किस किस्म के लोग हायर कर रहे हैं फिर कौन लोग हैं जो हायर कर रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखनी उनको ढूंढना जेन करना है कि जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रही हैं तो उनके लिए यू ऑफिस होना ज़रूरी है तो आपको क्या लगता है ऐसा ये यही केस है या फिर आप पाकिस्तान में जिस आपकी कंपनी पाकिस्तान में ही है और आपने बताया कि आप यू एस कभी गए ही नहीं हैं तो सारे काम यहाँ से चल रहे हैं स्क्रैपिंग के थ्रू कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कोई प्रोफाइल नहीं है तो यू थिंक के वो एक सिर्फ आइडिया ही है हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह पाक ने आसान करी हुई तो इस वजह से हमें खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ ये जो काम हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं देखो यार बहुत 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 सारे 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 लोग लोग कर कर रहे होंगे, कर रहे होंगे होंगे एड्स रन लोगों ने भी बनाई हुई होंगी लेकिन वो हो हमारे लिए पता नहीं कैसे चल रही होती है हम खुद हैरान होते हैं हम खुद जब आपस में कंपनी में हम लोग बैठे हुए होते हैं तो हम लोग हैरान हो रहे होते हैं यार ये क्यों मतलब कैसे हो रहा है ये हमें खुद अक्सर समझ नहीं आ रही होती तो इसके पीछे कोई मेरे पास आज की डेट में कोई लॉजिकल आंसर नहीं है अच्छा ये बस अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है वो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान तो वो हमारे काम जो चल रहे हैं हमें आता नहीं है ये उ, उस तरीके से हमें अच्छे तरीके से नहीं आता है जिस तरीके से बहुत सारे स्मार्ट लोग पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं अमेरिका में ऑफिस है ही नहीं हमारा अमेरिका में कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन उस हवाले से है ही नहीं लेकिन फिर भी हमारे पास क्लाइंट्स इस तरीके से आ रहे होते हैं कि हमारा नंबर वन प्रॉब्लम इस वक्त ये नहीं होता कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे hmm. हमारे पास नंबर वन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास इनफ लोग नहीं हम हायर कर पा रहे उस स्पीड में जिस स्पीड में हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं hmm. तो हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस बनाना इस वक्त हमारे लिए नंबर वन जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम बल्क में लोगों को इंटरव्यू कर सकें बल्क में लोगों को हायर कर सकें बल्क में कैंडिडेट्स को हम स्किल टेस्ट जो उनका है टेक्निकल टेस्टिंग कर सकें ये हमारा नंबर वन प्रॉब्लम है इस वक्त हमारा नंबर वन प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स लाना नहीं है क्लाइंट्स तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास ये मनी बैक गारंटी भी है प्लस Uh, हम कोशिश ये करते हैं कि जिसको जो चीज़ भी दे रहे हो वो अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो और उसके लिए हम खुद अच्छे तरीके से टाइम भी लगाते हैं और अप अपस्किल भी कर रहे होते हैं ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं अपने स्टाफ को तो वो चीज़ें तो कवर्ड हैं अलहदुल्ला और वो अच्छी हमारी स्केल भी कर रही हैं क्लाइंट साइड जो जिस तरीके से हमारी प्रोस्पेक्टिंग है या सेल्स है वो हमारी ठीक है जो नंबर वन प्रॉब्लम इस वक्त हमारा है वो हम उस तरीके से उस फास्ट इम्प्लॉज को ऑनबोर्ड नहीं कर पाते जिसकी वजह से हम अपने आप को और ज्यादा स्केल कर पाएं ठीक है अभी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन ये चल रही थी कि आपने कहा कि आपकी कंपनी में हार्डली साढ़े तीन सौ लोगों में से कोई एक आध बंदा होगा जो कि अट्ठाईस साल से कम होगा उसे क्या रीज़न है उसका रीज़न यह है कि अभी इस वक्त हमारी कंपनी जो है वो स्केलिंग मोड में है तो स्केलिंग मोड में हमें ऐसे लोग चाहिए जो ऑलरेडी अपना काम जानते हैं Hmm. ताकि उनके तजर्बे से हम फायदा उठा सकें ओके okay. अगर हम ऐसे लोग अभी लेके आते हैं जिनको हमें सिखाना पड़े और सिखा के फिर उनसे हमें काम लेना पड़े तो हमारा जो आ, स्केलिंग है वो और ज्यादा स्लो हो जाएगी अच्छा तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे लोग लाएं जो ऑलरेडी काम सीखे हुए और उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं अच्छा और उनके तजर्बे से हम फायदा उठाएं और और ज्यादा इसको और स्पीड के साथ हम इसको स्केल करें तो एक बच्चा है वो पच्चीस साल का है उसको चार साल का एक्सपीरियंस हो गया वो इक्कीस साल की उम्र से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है इट्स बीन लाइक फोर ईयर्स ही इज वर्किंग इन द मार्केट ही कैन वर्क फॉर यू फ्रॉम द डे वन मे बी बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल दैट यू हैव सो इज देर एनी थिंग एल्स दैट यू हैव इन माइंड बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दैट मार्क ऑफ ट्वेंटी एट ईयर्स होल्ड अगर तो किसी को एक्सपीरियंस है स्किल उसका ठीक है हमारा स्किल टेस्ट भी वो अगर टेक्निकल टेस्ट भी पास कर जाता है तो हमें फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम हमने ये देखा हुआ है कि अगर उसको एक जो एक्सपीरियंस हमें रिक्वायर्ड है कम अज़ कम वो सत्ताईस साल की एज में होता है उसको अच्छा तो अब अभी, अभी इस वक्त हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी हम जिसको हायर करें वो 27 साल की एज में हो तो हम उसको हायर करें उससे कम एज वाला वो और एक्सपीरियंस ले आपकी जैसे कंपनी हो गई और बहुत सारे लोग हो गए हाँ। वहां पे वो एक्सपीरियंस ले आप उसको सिखाएं आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें जब वो सिखा लें आप उसको तो फिर वो हमारे यहाँ और हमारे यहाँ आके वो अच्छे तरीके से काम करें। तो जब जब हमारे पास बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं तो लोगों को सिखाने के लिए तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम उनको सिखाएं अच्छा सही है सही है ठीक है तो मेरे ख्याल आप जो मेंटल मेच्योरिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं अठाईस साल की उम्र में या रियलाइजेशन हो जाती है Uh, जिंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं सो दैट इज़ ऑल्सो यू आर कंसिडरिंग जब एज छोटी होती है तो लोगों को एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा होती है उनका एक्सपोजर कम होता है तो हम एक जिस तरीके से हमारा कल्चर है तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग आएं जिनको जिनका सर्व करने का जज्बा हो और वो क्लाइंट के साथ भी जब काम कर रहे हो तो उनका ये दिल हो कि यार हमने अच्छा काम करके देना है Uh, क्योंकि देखिए ना हमारे पास मनी बैक गारंटी हम अगर क्लाइंट को दे रहे हैं तो हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते hmm. हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम हंड्रेड परसेंट डिलीवर करके दें yes. तो इस वजह से ही हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे लोगों को हायर करें जो हमारे यहाँ ऑन जॉब सीखने की बजाय uh, सीखें हमारे यहां hmm. भी सीखें hmm. क्योंकि सीखेंगे <laughs> तो सही वो लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट वो ऑलरेडी डिसिप्लिन तो इस वजह से हम एक्सपीरियंस लोग हायर करते हैं हमारी कोशिश ये होती है ताकि वरना तो फिर इस तरीके से अगर हम इन एक्सपीरियंस लोग हायर करें फ्रेशीज़ को अगर हम हायर करेंगे तो हमें तो हर किसी को मनी बैक गारंटी के तहत तो हमें सारे रिफंड्स करने पड़ रहे होंगे तो हमारे लिए वो सस्टेनेबल नहीं है सही है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है मेरे लिए पर्सनली वो ये कि चार साल पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे अब मार्केटिंग से आपने स्टार्ट किया मार्केटिंग के अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को सो so, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स किस तरीके से सेटअप कर लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम थोड़ी बहुत तो कर रहे थे पहले भी हमने दो तीन दफ़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जैसा कि मैंने अभी बताया अभी है लेकिन इस स्केल पर नहीं कर रहे थे जैसे अब हम कर रहे हैं तो मैंने फिर वही बात मैं करता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे होते हैं ना वो वो अल्लाह की तरफ़ से मेहरबानी होती है वो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ हो रही होती हैं अच्छा। उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है ओके आ, लेकिन हमारे यहाँ जो टीम है माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है ये भी मैं अल्लाह से बहुत दुआ करता था ये अल्लाह मुझे अच्छे लोग, अच्छे लोग अच्छी टीम दे जिसकी वजह से हम और ज़्यादा बड़ा काम कर सकें तो अल्लाह पाक की भेजे हुए लोग हैं समझ लो हमारे पास तो टीम हमारी बहुत अच्छी है तो वो काम हम जो भी करना चाह रहे होते हैं ना वो हो जाता है उसमें रुकावटें नहीं आती और जिस काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ भी रही होती हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि शायद इस काम में अल्लाह पाक ने हमारे लिए रिस्क नहीं रखा हुआ तो वहाँ से हम वापस रिवर्स हो जाते हैं और जिस काम में हम आगे बढ़ रहे होते हैं जिस काम में आसानी आ रही होती है तो मुझे समझ मुझे ऐसे फील होता है कि ये काम में शायद अल्लाह पाक चाहता है कि हम करें तो फिर हम वो काम करते रहते हैं मैं बुक पढ़ रहा था उसमें एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई थी कि यू नीड टू हैव योर बेस्ट पीपल फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी नॉट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मतलब जिस तरह आपने मैंशन किया कि यहाँ से पैसे अगर नहीं बन रहे तो वहां पर बेस्ट लुक लगा के उसको सही करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल हैव शोब अख्तर बोल फास्टर राधर एम्समैन लोअर ऑर्डर हिटिंग बैट्समैन तो वो अपनी प्रैक्टिस वहीं पर कंटिन्यू करता रह सर सो आई अग्री टू दैट पॉइंट अच्छा मूविंग फॉरवर्ड सेल्स में हमारी जितनी भी मुलाकातें रही हैं उस पर एक चीज़ जो है ना मुझे बहुत क्लिक की और हमने उसकी वजह से ना बहुत हमें क्लैरिटी मिली वो ये थी कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो आपने एक रखा हुआ है सो देर इज़ अ नंबर इफ़ यू लाइक टू मैंशन अप टू यू तो वो आपने वो एक नंबर रखा हुआ है कि फ्लैट रेट बिकॉज पहले हम लोग क्या कर रहे थे हमारे पास अगर क्लाइंट आता था वो कहता था कि हाँ उनको दो बंदे चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए तो वी वुड से कि यार ये तीन साल का बंदा है इसका ये रेट है ये पाँच साल का बंदा है इसका ये रेट है ये क्यूए इंजीनियर है इसका ये रेट है तो वो अभी हमें समझ में आ रहा है कि यार क्लाइंट को कितना कंफ्यूज किया हुआ था तो वो जो हमारी कन्वर्जेशन रही उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्स टीम को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं कंसल्टेंट हैं उनको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जितने लोगों को अब मुझे बताना है किसी को कोई रेट शीट देने की ज़रूरत नहीं है कि ये दाल है ये कीमा है <laughs> ये आलू गोश्त है तो वो सबका एक रेट और उससे देखें, एक बात यह है कि एक तो स्कीमें सबको बतानी नहीं चाहिए नंबर था हाँ. तो ये स्कीमें जो हैं ये ये तो मैं नहीं बता रहा सही लेकिन है। लेकिन बात यह है कि कस्टमर को कंफ्यूज ना करें हुँ. उसको सीधी आसान बात करें जो वो कर आपसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आया हुँ. आप उसको बताएं ये प्रॉब्लम कितने में सॉल्व हो जाएगा और कब तक हो जाएगा बिल्कुल। बस सिंपल ये अप्रोच रखिये अगर आप उसमें बहुत ज्यादा तफसीत में चले जाएंगे तो वो कस्टमर भाग जाएगा तो ये सब वो तफसीलात से डील नहीं करना चाहता इसीलिए वो आपके पास आया अब आप उसको मजीद कॉम्प्लेक्स बना के उसके सामने पचास पचास स्लाइड्स रख दें और उसके mm. साथ डिस्कशन करते हाँ ये सब ना करें उसके लिए भी आसान बनाएं अपने लिए भी आसान बनाएं जितना प्रॉब्लम बड़ी अच्छी बात है ना सोल्व प्रॉब्लम्स गेट पेड ये सिंपल सी बात है टू गेट पेड सॉल्व प्रॉब्लम्स तो मेक इट इजी फॉर देम Don't make it difficult. Don't make it hard. Don't um, make it hard for them to deal with you. It should be very convenient, very easy. Just make them feel comfortable. Tell them what asana need in simple This is rule of thumb. Hai. Yeah. And thank you so much for sharing your secrets with me. And Alhamdulillah, it has worked. And I'll agree to the point that you usko you simple rakhenge. उतनी आसानी पैदा हो गई क्लाइंट के लिए और आपके साथ डील करने के लिए भी ठीक है अच्छा एक जो प्रॉब्लम आता है कि आपके पास दस बंदे हैं तो अलग प्रॉब्लम्स हैं पचास हैं तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो गए और पचास से सौ हुए तो ऐसे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं जो पहले कभी आपके पास आए नहीं यू हैव गॉन फ्राम फिफ्टीन पीपल कंपनी टू ज़ीरो एंड देन अगैन टू अल्लाह तौ बरकत दे साढ़े तीन सौ लोगों तक ठीक है तो डाउन द लाइन क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी और किस तरीके से आ, मतलब विद बिगर नंबर तो प्रॉब्लम्स बिग होती रहीं या आप उसको डेलीगेट करते रहे हाउ डिड दैट हैपन तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है जब आपने लोगों को हायर करना है बल्क में तो आप कैसे हायर करेंगे जी तो उसकी एक अप्रोच तो यह है कि अगर आपने एक महीने में पचास लोगों को आपने हायर करना है तो आपका आप कितने लोग लगाएंगे जो आ, उन पचास लोगों से इंटरव्यू करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे उनकी स्किल टेस्टिंग आ, कर रहे होंगे तो तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपको जितने ज़्यादा लोग हायर करने हैं उतने ज़्यादा लोग आप अपनी एचआर में बढ़ाते जाएं। तो उसके लिए आपको सिस्टम्स चाहिए ठीक है तो आ, ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टेस्ट गोरेला है जी आप उसको यूज़ कर सकते हैं लोगों को टेस्ट लेने के लिए अक्सर कंपनीज में सीवीज़ मंगाए जाते हैं कि भाई आप सीवी हमें भेजें या ईमेल पे आ, आप अप्लाई कर दें तो वो उसके लिए हमने ये किया कि ऑनलाइन फॉर्म बनाया कि जिसने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाए वहीं पर फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दे सी ना भेजे ठीक है तो इस किस्म की चीज़ें जो मेनली uh, जो थी वो हायरिंग uh, के हवाले से थीं कि एट बल्क जब आपको हायरिंग करनी है तो उसके क्या प्रोसेस होने चाहिए नंबर टू टीम्स की फॉर्मेशन आपकी किस तरीके से होनी चाहिए ताकि आप उनको परफॉर्मेंस uh, uh, आप उनकी मॉनिटर भी कर सकें और वो परफॉर्मेंस डिलीवर भी कर सकें और उनको ट्रेनिंग भी आप डिलीवर कर सकें जब हमारी कंपनी छोटी थी तो उस वक्त कोई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हमारा नहीं था uh, जब हमारा एक स्केल अचीव हुआ तो हमने ये भी देखना शुरू कर दिया कि किन लोगों को किस डिपार्टमेंट में किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उनको इस वक्त एक महीने में कितने आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ भी ज़रूरी है अगर आपको अपने एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है लोगों का स्किल लेवल आपको इनक्रीज़ करना है तो आपको ये भी चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी कि आप उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं hmm. और कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं Um, बस टीम स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और हायरिंग एट बल्क ये तीन चीज़ें हैं जो हमने देखा कि जो डिफरेंट थी जब हमारी छोटे जब 15-20 लोगों तक थे और अब में बस एक ये डिफरेंस मुझे नज़र में आया ठीक है अच्छा टीम जब बड़ी होती है तो इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड है टू हैव 10 टू 20 परसेंट ऑफ योर रिसोर्स सिटिंग एट बेंच तो आपके पास अवेलेबल हो आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो आपने उनको साइन कर दिया अगर सारी 100% परसेंट कैपेसिटी पे आपके पास प्रोजेक्ट असाइन हुए हुए हैं, हैं तो आप 10 टू 20% परसेंट और ऐड कर लें एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रो तो डिड यू फॉलो दिस मेथड और आपका बेंच स्ट्रेंथ होती है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, बेंच स्ट्रेंथ हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हमारे पास हो लेकिन वो कंज्यूम हो जाती है हाँ, पिछले चार साल में <laughs> <laughs> पिछले चार साल में वो रहती नहीं है अच्छा तो तो अभी हम कोशिश ये करते हैं कि आ, अपनी एच की स्ट्रेंथ हमने तकरीबन पिछले एक साल में थ्री टाइम्स बढ़ाई है अच्छा ताकि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हों हमारे एच में जो सारे प्रोसेस जो हैं उस तरीके से लोगों को हायर करें ऑन बोर्ड करें कुछ लोग अगर जा रहे हैं तो उनको ऑफ बोर्ड करना एग्जिट इंटरव्यू करना सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से ताकि हमारे पास मेरी ये ख्वाहिश है कि मतलब हमारे पास भी कभी इस तरीके से हो कि टेन टू ट्वेंटी परसेंट हमारे पास पे <laughs> ये ख्वाहिश है हाँ मतलब अल्लाह ना करे ऐसा कभी भी हो हम इसी तरह ग्रो करते रहे तो मैं ये चाहता हूँ कि लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो ताकि जब क्लाइंट का काम आता है तो उसको हम सही तरीके से प्रॉपरली देख के उसको हम डिलीवर कर रहे हों और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लोग हों लेकिन अलहदुल्ला इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि हमारे पास एक्स्ट्रा लोग नहीं होते गुड टू हैव ऑलवेज गुड टू हैव अच्छा हमारी कन्वर्जेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं कि आपने ऑफकोर्स एक चीज़ तो ये है कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाएं ऐसा टाइम आता है कि आप हाथ लगाते तो वो सोना बन जाता है ठीक है बट अगेन आई सी यू आर वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच यू आर वेरी हार्ड वर्किंग इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग न्यू एवेन्यूज़ के सेल्स या प्रोडक्शन या फिर हायरिंग के प्रॉब्लम्स वो किस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस रहे हैं तो सेल्स में पिछले दिनों हमारी कन्वर्जेशन चल रही थी हाउ टू यूज़ एंड इंटीग्रेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल जिस तरह ए आई है तो आपको क्या लगता है कि उसको तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके से तो फिर ये वही स्कीमों वाली बात है <laughs> आप जनरल बात कर सकते हैं कि अपनी सारी स्कीमें जो है चीख चीख के लोगों को बता दे <laughs> तो ये स्कीमें ठीक है क्लोज सर्कल में हम अक्सर आपस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं तो आजकल जो मैं देख रहा हूं जो एक सही तरीका जिस तरीके से जिससे हमें बहुत फायदा हो रहा है वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि इंडीड पे कौन लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं ठीक है फिर जो बड़ी बड़ी यूएस में कंपनीज हैं जो जॉब पोस्ट कर रही हैं तो वहां पे आपको डिमांड सामने नजर आ जाएगी कि किस टाइप के इंजीनियर्स वो हायर करना चाह रहे हैं। तो उन्हीं कंपनीज के जो हायरिंग मैनेजर्स हैं जो एच वाले हैं जो सी हैं आप उनका डेटा आप इनरिच कर सकते हैं वो आप लिंक से देख लें या और भी बहुत सारे टूल्स हैं डेटा इन्चमेंट टूल्स हैं वहाँ से आपको उन सारे जो डिसीशन मेकर्स हैं उन कंपनीज के आ, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी अब जब उनके फ़ोन नंबर और ई एड्रेस आपके पास आ गए जो लोग हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको ये भी पता लग गया कि वो किस टाइप के लोग हायर कर रहे हैं हुँ. तो अब सिंपली आपने उनको एट स्केल फोन करने हैं फोन करने के लिए आप एआई का इस्तेमाल करेंगे अच्छा वो ए आई उन सब लोगों को एक ही दिन में फ़ोन कर देगी अच्छा हाँ ऑटोमेटिकली ए आई को आप ट्रेन करेंगे कि क्या आपकी क्या ऑफरिंग है उसके हवाले से ए आई उन सब लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करेगी कॉन्वर्सेशन करके जो भी चीज़ आ, उनको चाहिए उसके हवाले से उनको ए आई सारे सवाल जवाब उनको आ, के जवाब भी देगी आ, और ये फ़ोन के ऊपर लाइव कॉन्वर्सेशन ए आई करेगी उन प्रोस्पेक्ट्स के साथ ई मेल भी आपकी जा रही है हम्म उन्हीं लोगों के ईमेल एड्रेस भी आपके पास तो इस तरह तो सारे कॉल सेंटर बिजनेस बीपीओ वाले काम आप कह रहे हैं बंद हो जाएंगे मुझे मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके की एआई आ गई है अब अगर कॉल सेंटर वाले उस एआई को ही अडॉप्ट करके अपने आप को एआई कॉल सेंटर्स बना लेते तो ऑफ कोर्स वो सरवाइव कर जाएंगे बट अदरवाइज जिस तरीके से ह्यूमंस इस वक्त फोन कॉल्स कर रहे हैं और फोन कॉल्स करके

AI can have हैव the द वे इट्स Accent एक्सेंट का प्रॉब्लम नहीं है उसका ठीक है नॉलेज का उसको ट्रेनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बंदे को बिठा के वो चला गया तो फिर दूसरा आएगा या दस बंदे और आएंगे उसके साथ साथ टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको जिस टाइम पर आपने कॉल करनी है आपने हर बंदे को नौ बजे सुबह फ़ोन करना है या दस बजे फ़ोन करना है तो नौ सौ बंदों की लिस्ट को कॉल करने के लिए नौ बजे नौ सौ डॉलर चाहिए नौ सौ लोग चाहिए वो सारा प्रॉब्लम ए, ए के साथ वन क्लिक पे वो सॉल्व हो गया तो मतलब मतलब ये, ये वाला yeah. आपको एक और मजे की बात आप इसमें ये देखें कि सेल्स का आदमी जब किसी को फोन करता है

उसकी जो एनर्जी है कॉल करने की पहली कॉल की या उसकी वो एनर्जी जो कि उसने एक कभी क्लोज की है डील उसके बाद जो कॉल कर रहा है हाँ। वो सेम एनर्जी पे एआई कॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और मीडियम टिकट लो टिकट ऑफर्स के लिए तो मैं समझता हूँ कि ए आई इज़ गोइंग टू बिकम अ डिफॉल्ट सोल्यूशन जिसको सब लोग यूज करेंगे हाँ हाई टिकट ऑफर्स हैं उसके लिए हो सकता है कि ह्यूमन टच की जरूरत पड़े बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक ए आई इज गोइंग टू टेक ओवर और ये कॉलिंग वाला जो काम जितना भी है ये ए आई इसको अच्छा, पूरा प्रोसेस नहीं पूछूंगा लेकिन इतना जरूर कि ये सेटअप करने का मतलब इट्स इट कैन बी डन इजीली ये इट कैन बी डन विद इन फ्यू आवर्स अच्छा हाँ इट्स सो सिंपल इट्स सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको विद इन फ्यू आवर्स थ्री फोर आवर्स में आप ये सारा you can be up and running in just three and four hours. in terms of expenses manageable yes yes very manageable very manageable like to run this system you would probably need to spend maybe not more than 40 50 dollars a day i think Achha. Huh? for how many calls a lot like no, more I'm than 1000 or more than 100. Yes, it could be around 100, 100 to two hundred calls. Wow, uh, AI cheap. can make per day. Wow. and you'd be spending around not more than fifty dollars. Amazing. It's dirt cheap. Wow. <laughs> and I wonder why you are saying it will take over within a few months. Yes, you can scale your businesses. You can. I mean, possibilities are endless. Mm -hmm. So, AI, which new technology hai, wo, इट्स हेयर और आप उसको यूज करें इम्ब्रेस करें और उसको यूज करें और यूज, यूज करके अपने बिजनेस को भी स्केल करें अपने प्रोसेस को भी ऑप्टोमाइज करें आप चैट जी को ही ले लो चैट जीपी को आप बोलो एक्ट एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एच एज एच आर एक्सपर्ट और उसको आप पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दें प्रॉम्प्ट आपका जब भी चैट जीपीटी को आपने देना है 200 से 300 वर्ड का आपका प्रॉम्प्ट होना चाहिए अच्छा वो आप उसको दें और प्रीमियम वर्जन यूज करें चैट जीपीटी का और उसको अपने सारे एच के प्रोसेसिस दे दें और उसको बोले ये हमारे प्रोसेस हैं अब इसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकाल के बताओ और उनके सोल्यूशन बताओ वो पूरे आपको सोल्यूशंस बताएगा आपके सेल्स प्रोसेस में जहां जहां इश्यूज हैं आप उसको बोलो एक्ट एज अ सेल्स कंसल्टेंट और सेल्स एक्सपर्ट अब उसमें मुझे बताओ मुझे क्या चीज़ फिक्स करनी है और वही आपने बस रूल ऑफ थम ये रखना है कि जब भी आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है वो 200 से 300 वर्ड का प्रॉम्प्ट होना चाहिए ओके okay. जो आपको मदद चाहिए अब आप वो चैट जीपीटी से लें एआई से मदद ले, लें कॉलें करानी हैं वो एआई से कराएं आपको अपनी ईमेल्स ड्राफ्ट करानी है वो आप उससे करवाएं जो करवाने आप चैट जीपीटी से करवाते जाएं आप अपना एआई कॉलर से करवाते जाएं अब तो आपके पास सारी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तो आपको ये करना चाहिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त अच्छा इसके साथ फिर एक प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि हम सॉफ़्टवेयर इंडस्ट्री में हैं ठीक है वी प्रोवाइड सॉफ़्टवेयर कंसल्टेंसी या मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो आपको लगता है कि ये वाला काम जो है ये हम कर रहे हैं सो दैट कैन बी ऑल्सो डन बाई ए आई यू थिंक देट इज़ अ थ्रेट टू वट वी आर डूइंग नहीं थ्रेट नहीं है ना तो आप आप, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें आप बिजनेस कर रहे हैं ना जी तो ठीक है बहुत अब ए आई रिप्लेस नहीं कर देगी इंजीनियर्स को इनिशियली लेकिन आने वाले वक्तों में हो सकता है कर भी दे बट uh, ये कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो आप अर्ली uh, अडोप्टर्स में से रहें आप यू शुड ऑलवेज बी अहेड ऑफ द गेम और बिजनेस में तो है ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप पहले नहीं कर रहे होंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर्स uh, बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं तो आप ए को रोजाना से यूज़ करें और आज ही से ए को अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाएं ताकि जैसे जैसे ए आई इवॉल्व कर रहा है उसी तरीके से आपका बिज़नेस भी उसके साथ ग्रो करता रहे hmm. राइट 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 तो अभी जिस तरह आपने बताया कि सारी ऑपरेशनस पाकिस्तान से मैनेज हो रहे हैं एंड आप मुझे पता है कि कुछ लर्निंग के लिए कोर्सेज के लिए नेटवर्किंग के लिए सेल्स के लिहाज से नहीं बट योर पर्सनल ग्रोथ यू ट्रैवल तो आपकी कुछ सेल टीम इवेंट्स वगैरह पे भी जाती है इवेंट्स पे जाना मतलब ये एक क्वेश्चन रहता है कि आपको जैटेक्स जाना चाहिए आपको यू में इवेंट्स में जाना चाहिए या लीप हो रहा है तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए आपको लगता है कि सेल्स के लिए वहाँ जाना चाहिए या किसी और वजह के लिए या जाना चाहिए ऑल टुगेदर के नहीं देखें बहुत सारी चीज़ें आपके स्केल पे डिपेंड करती हैं मैं ये समझता हूँ दो तीन सौ लोगों की अगर आपकी टीम हो तो आपको इवेंट्स पे जाके आ, क्लाइंट्स लाना वो नहीं करना चाहिए आपको आ, इवेंट्स पे आप जाएं सीखने की गर्ज से जाएं नेटवर्किंग की गर्ज से जाएं और उसके नतीजे में अगर कोई क्लाइंट आ जाता है ठीक है बट अदरवाइज ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको क्लाइंट्स लाने चाहिए और उसके लिए जो भी आपने करना है वो करें और ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट लाएं और इवेंट्स पे जाना है आप वैसे ही मिलने में के लिए देखने के लिए कि दुनिया में और नया क्या और वो देखने के लिए आपने कोई बिजनेस लिया है कभी किसी इवेंट से नहीं हमने आज तक इवेंट से कोई बिजनेस नहीं लिया लेकिन अब हम इनशाला अपना आई करने जाएंगे इन इसी साल दो अच्छा। में आ, हमारा प्लान है इन हम शेयर मार्केट में आ, इनलिस्ट होंगे आ, तो अगर हम वो करेंगे तो फिर हमें ये सारी चीज़ें हम फिर करेंगे फिर हम इवेंट्स पे भी जाएंगे फिर हम नेटवर्किंग भी करेंगे फिर हम आ, आ, अपने ऑफिसज़ भी उधर हमें शायद खोलने पड़े यू एस में और तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो हमारा स्केल है उसके हवाले से ये इतना ज़रूरी नहीं तो आपको लगता है जितने भी लोग सौ से कम की जिनकी टीम है लेट से दस से पचास के दरमियान है तो वो साढ़े तीन सौ तक विदाउट डूइंग एनी नेटवर्क नेटवर्किंग या किसी दूसरे मुल्क में ऑफ़िस खोले बगैर बिजनेस लेकर आ सकते हैं जिस तरह आप काम कर रहे हैं ये रेप्लिकेट हो सकता है और इस जस्ट के आपके साथ मतलब एक बहुत ही हैप्पी केस है वो हर चीज़ में हैप्पी केस ही रेप्लीकेट हो रहा है अल्लाह की मदद आपको हासिल है अल्लाह की मदद बहुत सारे लोगों को हासिल होती है और अल्लाह सबकी मदद करे बेश को भी ज़रूरत हो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे बहुत सारे काम इसलिए हो रहे होते हैं कि उसमें जब अल्लाह की तरफ से मदद होती है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे काम आसानी से हो जाते हैं बट ये आ, मैं कि मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे लोग ला सकते हैं क्लाइंट्स और कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है कि वो इवेंट्स पे जाएं और इवेंट्स पे जाके ही क्लाइंट्स ले कर आएँ और अपने ऑफिसेस बनाएं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो इतना ज़रूरी नहीं है तीन सौ साढ़े तीन सौ तक तो इतना ज़रूरी नहीं है वैलीडेट कर लिया आपने। उससे उससे आगे अगर जरूरत पड़े तो फिर पड़ सकती है लेकिन उससे पहले की मैं नहीं समझता कि क्योंकि इतनी खास ज़रूरत है ठीक है लुकिंग uh, फॉर्वर्ड uh, अभी माशाल्लाह जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है स्केलेबिलिटी में सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में कंपनीज़ को क्या फ़ेस हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत सारे लोगों के लिए जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं तो आपको क्या लगता है अगर आप हज़ार लोगों तक हिट करना चाहेंगे तो उसमें सबसे बड़ा इशू क्या आएगा हाँ तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स आपको सही जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो नहीं मिलेगा और उसको भी ज़ाहिर यू सॉल्व प्रॉब्लम्स यू गेट पेड राइट जी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम आ, अपना आ, एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हमने कुछ अरसे पहले ही लॉन्च किया और अब हम उसको सही तरीके से ले चलेंगे आगे और उसके अंदर हम यही करेंगे कि लोगों को पहले ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद फिर हम उनको अपने हायर कर सकते हैं और या अगर किसी और कंपनी को भी उन लोगों की ज़रूरत हो तो वो हमारे यहाँ से हायर कर सकते हैं तो हम एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हमने इस तरीके का बनाया क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और वहाँ से जो भी हमारा टैलेंट है उसको हम अपस्किल भी कर सकते हैं और उस जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका नाम हमने रखा है टॉप वन परसेंट डॉट पी के अच्छा हाँ टॉप वन पर्सेंट डॉट पी के पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल होंगे जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे इंडस्ट्री लीडर्स होंगे जो जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको अपस्किल करेंगे ठीक है वो अपस्किल लोग आप बल्क में अपने हायर करें या आप किसी और इंडस्ट्री में अगर इंडस्ट्री में किसी और को भी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे भी लोग वहाँ से हायरिंग एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी आपसे मिल के वो ये कि आपने जितने भी लोग अपने पास रखे हुए हैं रिगार्डलेस के वो किस इंडस्ट्री से पहले थे आपने पोटेंशियल उनमें देखा और उनको मूव करवा दिया उन चीज़ों पे जो कि वो कर सकते थे मतलब हमने एक टैगलाइन बना ली है कि अगर हमें सेल्स का काम करवाना है तो वो तो कोई भी कर सकता है ठीक है लेकिन फिर भी उसमें हम डिग्री के साथ ही लोगों को रखते हैं या अगर डिग्री नहीं भी है तो पहले से बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपने बहुत सारे क्लॉस क्रॉस इंडस्ट्रीज आपने लोग लोग रखे तो उसी क्या वजह थी और वो एक्सपेरिमेंट आपके लिए वर्क किया देखें हमारे कंपनी के अंदर जो लोग करीम के अंदर गाड़ियां चला रहे थे वो भी काम करते हैं करीम के कैप्टन आज हमारे यहाँ वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ राइडर्स थे जो बाइकिया में राइडिंग जो बाइक चलाते थे और लोगों की चीज़ें इधर उधर डिलीवर करते थे वो हमारे यहाँ आज काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में जो वेटर काम कर रहे थे वो आज हमारे यहाँ वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अल्लाह पाक ने सारे इंसान जो बनाया ना वो बराबर बनाए बराबर बनाए और जो भी और ये ये मैं सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं ये हमारी कंपनी में जो हम काम कर रहे हैं वो उससे आपको नज़र आएगा कि इन लोगों को हम हायर ही ना करते अगर मैं ये बिलीव ना करता तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ने सारे इंसान बराबर बनाए हैं लोगों को मौका नहीं मिलता अगर आप किसी को सही तरीके से मौका देंगे उसको ट्रेनिंग देंगे उसको हौसला देंगे तो लोग कैचअप कर जाते हैं जिसके अंदर जज्बा होगा जो करना चाहता होगा वो कैचअप कर जाएगा सिर्फ अपॉर्चुनिटी दें ट्रेनिंग दें और ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको पैसे दें अगर आप उसको पैसे ही नहीं देंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएगा तो उसका अगर घर सोटेड हो आप उसको ट्रेनिंग दें तो लोग अपने आप को साबित करते हैं और लोगों को सेकंड चांस जिंदगी के अंदर मिलना चाहिए और अगर मिलता है वो लोग साबित भी करते हैं और आगे चलते हैं और अलहमद हमारी कंपनी की बुनियादों में यही लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी को खड़ा किया है अच्छा और इसी वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि आप कोई भी आदमी इंजीनियर हो आप इंजीनियर देख लें मैकेनिकल इंजीनियर है मैकेनिकल इंजीनियर को भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दें ऐसा ही है तो किसी को भी अगर आपने ट्रेन करना हो आपने उसकी आ, उसको शिफ्ट करना हो एक जगह से लेके दूसरी जगह पे दूसरे स्किल में लेके आना हो आप उसको आसानी से ला सकते हैं उसके उसके ऊपर टाइम लगाएं मेहनत करें सही ट्रेनिंग दें उसको मोटिवेट करें वो लोग कर सकते हैं और हमारी कंपनी बनाने वाले ही ये लोग हैं mm -hmm. और यही इस हमारी कंपनी के ओनर्स जो हैं वो यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारी कंपनी बहुत सारे काम कर लेती है जो mm -hmm. और लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है आई टोटली अग्री टू दैट पॉइंट एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी दूसरी फील्ड से सॉफ्टवेयर की फील्ड में आने में जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं दे टेन टू परफॉर्म बेटर बिकॉज़ उनको वहाँ पर कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था एंड ऑफ़ कोर्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल सही ठीक है? है और बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मौजूद हैं उनका सिर्फ लक ये है कि उनके किसी चाचू ने या उनके किसी बड़े भाई ने उनसे ये कह दिया कि आप सॉफ़्टवेयर में आ जाओ बिल्कुल उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं मतलब एन के माशाल्लाह कितने सारे डिपार्टमेंट हैं और एन में हर बच्चा वो आता है जो मैट्रिक में एटलीस्ट इंटर में एटलीस्ट अच्छे नंबर से मतलब पास हुआ है मेहनत करके वो वहाँ पे पहुंचा है और उसके बाद सिर्फ उसका लक ये है कि दो तीन नंबर या परसेंटेज में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया और उसका पूरा लाइफ का फेथ जो है वो डिफ़ाइन हो गया उस चीज़ से तो उस बंदे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना वो फिर आगे चल के आपके लिए बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं बार और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है सही बात अच्छा मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है उस चीज़ से जो हमने पहले डिस्कस की थी कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं मेरे ख्याल है वो अट्ठाईस साल के बाद अगर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड हो रही है और लाइफ एक्सपीरियंस अगर उसके पास है तो मेरा ख्याल है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी और उसको पता है कि ये अभी अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी एक्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ सेकंड चांस मिलना चाहिए और जो सेकंड चांस लेने में इंटरेस्टेड हो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करें और उसको सेकंड चांस प्रोवाइड करें और ये लोग प्रूव करते हैं टाइम एंड अगेन बिल्कुल कि ये लोगों के अंदर हिम्मत भी है और ये काम आगे करके दिखाते हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दूसरा ये कि मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान में आ, आई की जो फील्ड है उसमें थोड़ा सा स्टेप इन थोड़ा लेट किया है और जिस तरीके से मतलब हमारे पाकिस्तान के हिसाब से पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ जितनी आई हैं इन बाउंड वो बहुत कम थी कंपेयर टू कि बांग्लादेश वो अपने लोगों को ट्रेन करके मतलब सिर्फ उनको इंग्लिश बोलनी आती है बीपीओ सर्विसेज़ वो बीपीओ सर्विसेज़ अभी आगे क्या उसका फ्यूचर होगा लेकिन उन्होंने पहले उसको टैप इन कर लिया और वो काफ़ी उसके ऊपर इम्प्रूव कर गए तो आ, क्लोजिंग नोट्स के क्लोजिंग की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर आज एक बच्चा है या कोई भी बिज़नेस मैन है वो सॉफ़्टवेयर बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा है तो आप अगर उसको तीन चार पॉइंट्स अगर बताएं कि यार ये चीज़ें आपने करनी है ये काम आपने नहीं करने तो वो क्या चीज़ें होंगी सॉफ्टवेयर बिज़नेस की तरफ अगर कोई आना चाह रहा है तो वो आए ज़रूर आए और जाहिर है शुरू में कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो शुरू में मुश्किल होती है तो तीन चार साल आप यही समझेंगे आपने धक्के खाने उसके बाद आपको कोई सक्सेस मिलना शुरू होगी और जो भी कोई बच्चा है बच्चे को भी जो कोई स्टूडेंट है उसको भी यही दिमाग बना के किसी भी बिज़नेस के अंदर आना चाहिए कि उसको सबसे पहले चार पाँच साल छः साल तो सिर्फ इस नीयत से बैठना चाहिए कि मैं काम सीख रहा हूँ उसके अंदर वो एंटाइटलमेंट नहीं आनी चाहिए कि जी मुझे तो सब चीज़ें आती हैं और अब सब जो है मुझे उठ के सलाम करते रहें hmm. आपको सीखना है जब जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं तो आप आगे मेहनत करके वो उस तरीके से आप ना क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो ना आपकी आपके अंदर वो लीडरशिप केपेबिलिटीज़ होंगी कि आप पीछे टीम बना सको hmm. और अगर कोई इन्वेस्टर है जो ये काम करना चाहता है कोर्स उसको उसको भी चाहिए कि आम, टैलेंटेड uh, टीम उसके पास हो और टैलेंटेड टीम को अट्रैक्ट करने के लिए भी फिर ज़ाहिर है उसकी पॉलिसीज़ और कंपनी स्ट्रक्चर और वो सारा उस तरीके से होना चाहिए uh, तो बस एंटाइटलमेंट को हटा के सीखने वाली अप्रोच रखें चाहे जो भी हो और ईमानदारी uh, के साथ काम करें अच्छी चीज़ लोगों को बना के दें जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाने हैं वो अच्छी चीज़ लोगों को डिलीवर करेंगे तो आप ग्रो करते जाएंगे आप अच्छी चीज़ नहीं डिलीवर कर रहे होंगे uh, तो ऑफ़ कोर्स फिर आप ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएंगे ठीक है थैंक यू सो मच दानिश भाई फॉर ज्वाइनिंग एस टोडे और मुझे लगता है कि नॉट ओनली मी बट ऑल्सो द वीवर्स जो के ये देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू जैन थैंक यू फॉर हैविंग मी